बेटियां आज भी किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। बस बेटियों को थोड़ी हिम्मत और साथ की जरूरत होती है, जिसके दम पर वो बड़े बड़े कार्य को आसानी से कर जाती हैं। जी हाँ, करनाल की एक बेटी ने अपनी हिम्मत के दम पर अपने शहर और देश का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के करनाल की बेटी संजोली बनर्जी की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक दिन का सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उसने एक दिन तक वहां पर सीनेटर के रूप में काम किया है। 20 साल की संजोली करनाल में शिक्षाविद और सोशल एक्टिविटी माहिर बनर्जी तथा गगन बनर्जी की बड़ी बेटी है, जो ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन ले रही है। संजोली ने संसद में सीनेटर लरीसा वाट्सस के रूप में काम किया है, जिसकी संसद में भी जमकर प्रशंसा की गई है। संजोली ने अपने सुझाव क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग तथा महिला सशक्तिकरण को लेकर दिए हैं। प्रधानमंत्री मॉरिसन को इन सुझावों पर अमल करने की गुजारिश की गई। खुद मॉरिसन ने इन सुझावों को गंभीरता से लिया। संजोली भारत की इकलौती छात्रा है जिसे यह ऐतिहासिक अवसर मिला है। उसने प्रधानमंत्री मॉरिसन को लोकतंत्र में महिलाओं को संसद में अवसर देने को लेकर चार्टर दिया। संजोली ने चार्टर के माध्यम से यह पेशकश की कि महिलाएं किसी भी धर्म प्रांत की हो, उन्हें बिना किसी भेदभाव के बराबर का अवसर मिलना चाहिए। अंत में संजोली ने लोकतंत्र में महिलाओं की अहम भागीदारी को बढ़ावा देने की प्रार्थना की। संजोली भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारत एक विश्व भर में ऐसी मिसाल है जहां पर विविधता में एकता है। संजोली की छोटी बहन अनन्या बनर्जी ने सिग्नेचर अभियान के माध्यम से पर्यावरण को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए अभियान चला रखा है। अर्थ इन फ्लेम नामक डॉक्यूमेंट्री दोनों बहनों ने तैयार की थी। इसका विमोचन रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया था। करनाल की तमाम संस्थाओं ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संजोली को बधाई दी है। नमस्कार, मैं बहुत ही खुशी और गर्व के साथ ये बात कहती हूँ कि मैंने कल ऑस्ट्रेलिया के फेडरल पार्लियामेंट में सेनेट के एक एमपी का ऑफिस टेक ओवर करा। यहाँ पर सेनेट जो है हमारे भारत के राज्यसभा के बराबर है, और वहाँ के मैंने एमपी का ऑफिस में उनके साथ काम किया। एक दिन के लिए मुझे एमपी बनाया गया, और मेरे जो जो कंसर्न्स हैं, जो मुझे लगते हैं कि आज की यूथ और आज की वुमेन फेस कर रही हैं, हमें वो बात रखने का मौका मिला। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की ऑपोजिशन पार्टी ग्रीन्स पार्टी के प्रेसिडेंट सेनेटर रिचर्ड डी नैटली ने मेरी बात को आगे पार्लियामेंट में रखा। उन्होंने मेरे द्वारा लिखी गई स्पीच पढ़ी, जिसमें मेरी स्टोरी और मेरे कंसर्न्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एमपी से मिले, और मैंने क्लाइमेट चेंज पे एक्शन की मांग करी है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे देशों को इकट्ठे आने की ज़रूरत है और क्लाइमेट एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में ये बहुत बड़ी आपत्ति है और हमें इस पर एक्शन लेना होगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सरकार या इंडिया की सरकार नहीं, सबको इकट्ठे आना होगा। और ये मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की खासियत है, लोकतंत्र की ताकत है, कि हमारे जैसे ऐसे पढ़े लिखे युवक अपनी बात आगे रख सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, राजनीति में औरतों की बहुत ज़रूरत है कि औरतें आगे आएं, अपनी बात रखें। हमने भारत में बहुत सी और ऐसी राजनीतिक लीडर्स देखे हैं जो औरतें थीं और उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे देश के लिए। तो मेरे को लगता है लोकतंत्र और औरतों की रिप्रेजेंटेशन और क्लाइमेट एक्शन की मांग, ये मेन हमारे कंसर्न्स थे। हमने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को ये चार्टर भी सबमिट करा है, जिसमें यही हमारी मांगें लिखी गई है। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।